ये क्या फिर से बीपीएससी एग्जाम देंगे? हमारे 20 साल की वरीयता का क्या होगा? हमारी योग्यता जांच करते हैं, इनकी योग्यता क्या है? इनकी योग्यता झूठ बोलना है? और नीतीश कुमार को बिहार विधान लोकसभा चुनाव में हम लोग जो प्रधानमंत्री का जो सपना है उन सपना को हम लोग बिहार में ही रोक देंगे। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने का जो कलंक है वो नीतीश कुमार के ऊपर है। ये नियोजित शिक्षा का व्यवस्था किसने किया? इसी नीतीश कुमार ने किया। नमस्कार, मैं अनुकुल भी शिक्षक है, वो डीएम ऑफिस पहुंच गए हैं। आखिरकार डीएम ऑफिस पहुंच ही गए। ये नियमावली जो है शिक्षकों के विरोध है। सभी शिक्षक स्टेट पास करके आए, इतने 17 साल 20 साल से लोग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज हमारी सरकार जो है शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है, उन्हें आपस में लड़ा रही है। हम सभी शिक्षक परीक्षा देने के लिए बीपीएससी का तैयार है, किंतु इसके नियमावली का विरोध करते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से डीएम ऑफिस के अंदर आ रहे हैं जितने भी शिक्षक हैं, वो अंदर बताइए क्या मांग है। शिक्षक नियमावली का वापसीकरण नहीं तो 223 शिक्षक नियमावली वापसी कर। डीएम ऑफिस में घुसी गए नहीं तो डीएम ऑफिस में घुसी गए। पूर्व से प्रतिरोध मार्ग दिखा रहे हैं कि किस तरह से जितने भी लोग हैं वो डीएम ऑफिस घुस गए हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी मैडम है, कितने सर हैं, सारे लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं डीएम ऑफिस। जी हाँ, आपको हम नजारा दिखा रहे हैं। थोड़ा भीड़ में जाने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या मांग है और क्या नहीं है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सारे लोग डीएम ऑफिस पहुंचे। तो डीएम ऑफिस पहुंच ही गए आप लोग, क्या कहिएगा? हम लोग बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो वादा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उन्होंने हम लोगों को वादा किया था कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को सरकार बनते ही फर्स्ट कैबिनेट से आप लोगों का राजकर्मी का दर्जा मिला, आज नहीं मिला। और आज वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है जो हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किए हैं। तो हम लोग अगले चुनाव में 2024 का चुनाव जो नीतीश कुमार उखाड़ फेंकेंगे। और नीतीश कुमार को बिहार लोकसभा चुनाव में हम लोग जो प्रधानमंत्री का जो सपना है उन सपना को हम लोग बिहार में ही रोक देंगे और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा देने का काम किया है, धोखा मिला है। हाँ, सरकार धृत राष्ट्र बनी हुई है। एक शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए राजकर्मी का दर्जा देती है और नियोजित शिक्षकों को कहती है कि यदि आपको राजकर्मी बनना है तो आपको परीक्षा देना होगा। आपको परीक्षा देना, क्या कहिएगा? सरकार शिक्षकों का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है, बहुत पीड़ा होती है सरकार के भेदभाव के रवैये से, बहुत पीड़ा होती है, क्या कहिएगा? ये विधेयक जो लाए हैं 2023 का शिक्षक नियमावली, इसे वापस लेना चाहिए। ये नियमावली सिर्फ ढकोसला है और शिक्षकों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इसी के भी माध्यमिक शिक्षक हैं वो पहुंच गए, घुस गए नीतीश तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। आपको दिख रहा है डीएम ऑफिस पहुंच गए। आपको दिख रहा होगा कि डीएम ऑफिस के अंदर पहुंच गए हैं जितने भी शिक्षक लोग हैं। डीएम ऑफिस आखिरकार घुसी गई। हाँ, गुस्सा कितना है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव? बहुत ज्यादा गुस्सा है। इस तरह से शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, शिक्षकों को बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने का जो कलंक है वो नीतीश कुमार के ऊपर है। पूरी बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त करके रखा। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो वादा किया वो वादा खिलाफी कर दिया अपनी। उन्होंने वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले चरण में पहली बार। तो बहुत खुश थे ना जब वो आए थे तो आप ही लोग तो बहुत खुश थे। हाँ, खुश थे क्योंकि उन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में ये बात रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ये क्या फिर से बीपीएससी एग्जाम देंगे? हमारी 20 साल की वरीयता का क्या होगा? और ये नियोजित शिक्षक का व्यवस्था किसने किया? इसी नीतीश कुमार ने किया। पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षकों का नियोजन किसने किया? इसी नीतीश कुमार ने किया। सारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की कला नीतीश कुमार के ऊपर है। और आज महागठबंधन की सरकार पे बोल रही है। हम महागठबंधन की सरकार के ऊपर क्या, सभी सरकार के ऊपर बोल रहे हैं। सरकार शिक्षकों का दमन कर रही है। ये जो बीपीएससी से भी एग्जाम लिया जा रहा है इसमें चाइनीज वेतन मान दिया जा रहा है, नकली वेतन मान दिया जा रहा है। अरे शिक्षकों का सम्मान दीजिए। इन्होंने शिक्षकों का मरणशील कैडर में रख दिया। तो वेतन मान चाहिए, एक सम्मानित वेतन मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, पढ़ाते हैं।
हाँ पढ़ाते हैं, और इसका जो है गवाह आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट है कि बच्चों को 94% 95% मार्क्स आता है। कहाँ से आता है, जब पढ़ाते नहीं है तो ऐसे ही आ जाता है मार्क्स। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा? हम लोग राज्य कर्मी के दर्जा के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए, हमारे सम्मान की बात नहीं, ACP लेने के लिए, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं उनको हम पढ़ाते हैं, उनके शिक्षा की बात है। इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन पर उतारू हैं, और हम बहिष्कार करेंगे उनके जातिगत जनगणना का भी बहिष्कार, उनका भी बहिष्कार नहीं होने दीजिएगा, नहीं होने दीजिएगा, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कौन कर रहा है बहिष्कार? सरकार का सारा काम हम टीचर्स करते हैं, लेकिन टीचर्स को मिलता क्या है? क्या मिलता है, क्या मिलता है, वही तो हम लोग पूछ रहे हैं हमेशा। टीचर को मिलता क्या कह रही है? 2 लाख सीट जो है बेरोजगार साथियों को दिया जाए, और हम लोग को अपने ही सीट पर राजकर्मी बनाया जाए, जहां पर हम लोग हैं वहीं पर राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और फुल वेतन मान दिया जाए। बेरोजगारों की सीट मारना अच्छा बात नहीं है, उनको यह सीट 2 लाख दिया जाए और हम लोग जहां पर हैं वहीं पर फुल पेमेंट में हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, यही हमारी मांग है। क्या कहिएगा, इतने गर्म है सारे लोग, जितने भी टीचर है सब गर्म है, डीएम ऑफिस घुस गए हैं, ये आक्रोश ऑफिस आ चुके हैं, ये आक्रोश प्राकृतिक है, ये स्वतः फूट पड़ा है शिक्षकों में। हमारी योग्यता जांच करते हैं, इनकी योग्यता क्या है, इनकी योग्यता झूठ बोलना है, जो गद्दी पकड़े हुए मैनिफेस्टो क्या दिए हैं कि पता चलेगा कि अगर जो एग्जाम देंगे पता चलेगा कि टीचर्स योग्य हैं या नहीं है। आप लोग नेता क्यों नहीं एग्जाम देते हैं, कितना एग्जाम इन लोगों ने दिया, नेता क्यों नहीं देते आए हैं, सारे डीएम और जितने पदाधिकारी उनके हैं, फिर से कहिए उनको परीक्षा देने, तब ना पता चलेगा वो योग्य पदाधिकारी है कि नहीं। योग्य पदाधिकारी नहीं है, 10 साल पुराने वाले को नए जो डीएम आए हैं उनके साथ बैठाइए परीक्षा में कि उन लोग वैसे डीएम है कि नहीं है। जाने क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी, इसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। आखिर सरकार क्या देवता से उतर के आई है? सरकार को हमने बनाई है, सरकार को आप लोगों ने बनाया, तो सरकार को हमने बनाई है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो शिक्षक जितने भी हैं वो डीएम ऑफिस पहुंच गए और साफ अपने अपने हक के लिए पहुंचे हुए हैं, सब लोग जुटे हुए हैं और सब लोग जो हैं वो पूरे कष्ट में साफ कह रहे हैं कि नए नियम जो निकले हैं उसका हम विद्रोह करते हैं। और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मैडम जी लोग जितने भी थी वो सुना दिए, और आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से डीएम ऑफिस के बाहर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं, डीएम ऑफिस में घुस गए हैं लोग अपना हक मांगने के लिए। तो बताइए कि हक कोई नहीं छीन पाएगा, हक कोई नहीं छीन सकता है भाई। कितने साल से पढ़ा रही हैं? 12 साल से। 12 साल से, तो परीक्षा दीजिएगा नहीं दीजिएगा? परीक्षा देने से कोई ये नहीं है, क्योंकि मैं नेट वेट PhD सभी निकाल चुकी हूँ, मेरे यहाँ सब लोग इस तरह के क्वालिफिकेशन वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप हमारा 14 साल ले लिए हैं, और इसके बाद जनगणना से लेकर हर चीज़ में लगा के क्या आप जैसे अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि IAS निकाल लेगा तो उसको सारी फैसिलिटी देते हैं, क्या वो सारी फैसिलिटी हम लोग को मिलती है जो हमसे उस लेवल का एग्जाम लिया जाएगा? काम बहुत कराते हैं, काम कंटिन्यू स्कूल से लेके बाहर। और दूसरी बात उसके बाद कि क्या ये सारे एग्जाम नेट गेट स्टेट टेट सारे हम दें, नेता लोग कोई एग्जाम नहीं देंगे? चलिए देखिए, डीएम ऑफिस जितने भी माध्यमिक शिक्षक लोग हैं वो पहुंच गए, घुस गए अंदर, और क्या कुछ मांग था, क्या कुछ बोल रहे थे वो आपने सुन लिया। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को मैडम जी लोग ने रगड़ के रख दिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।